तस्वीर इसलिए बयान दे रही है तो आपकी गलत फहमी है। एकता कपूर भी इसी करणी सेना के सामने, सन 2012 में जब इनकी फिल्म आई थी वंस अपॉन ए टाइम मुंबई दोबारा, हमने एक दिन तक नहीं चलने दी, खुद हाथ जोड़ के 15 मिनट तक माफी मांग के खड़ी थी। अगर उसके पीछे नाच रहे हो या मोदी जी के पीछे, तो आने वाला टाइम बताएगा कि राजस्थान में मोदी जी आएगा या राजपूत आएगा। राजपूत अगर कभी भी बिगड़ा ना, तो राजपूत राजपूत बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है, और ये आपके ये जो मंत्री अनगल जवाब सवाल जवाब कर रहे हैं उनको समझा के रखिएगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में बताएंगे कि राजपूत करने से ना क्या रुखा हुआ इख्तियार करती है और क्या जवाब देती है। महिपाल जी क्या कहना चाहेंगे, मुंबई का जो आगमन था, मुंबई का कार्यक्रम था, क्या क्या कुछ कार्यक्रम था और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये लोग राजस्थान से ही विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो हम इसीलिए आए हैं जो पद्मावती फिल्म का जो ये प्रमोशन करना चाहते हैं जल्द से जल्द 1 दिसंबर को ये लोग रिलीज डेट बता रहे हैं। जब तक राजपूत समाज रिलीज नहीं करेगा, तब तक राजपूत समाज इसको ऑथराइज नहीं करेगा कि हाँ दिखा सकते हो, क्योंकि इन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा था जयपुर में जब ये भंसाली जी पिटके गए थे इसी करणी सेना से मेरे नेतृत्व में, तब हमसे लिखित में इनके CEO है शोभा संत, महिला है, उन्होंने लिखित में दिया था कि हम लोग बकायदा आपको दिखाएंगे और फिर आपको आपत्ति नहीं होगी तो हम ये फिल्म प्रदर्शित करेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ये जो तनिष्क की जो ज्वेलर है उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके बैनर पोस्टर होल्डिंग लगाए हैं, हमने उसके सब ज्यादातर जगह उतरवा दिए, इसीलिए कि बिना दिखाए तुम लोग अभी कुछ भी रिलीज मत करो, अगर करते हो तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है तुम्हारी मानसिकता में खोट है। जैसा कि अभी चल रहा है हसीना पारकर जैसी महिलाओं को तो बड़ा दिखाया जा रहा है, जिस महिला ने 16,000 रानियों के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया, अपने शरीर को जौहर कर लिया, पर इन लोगों को मालूम नहीं है जौहर चीज क्या होती है। जौहर अपने मान सम्मान के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का वो एक जज्बा है। अगर बाहर का आक्रमणकारी आप पे भारी पड़े लगे कि महिलाओं की इज्जत मर्यादा नहीं बचेगी, वो अपनी मान मर्यादा के लिए, इज्जत के लिए, अपने सतीत्व के लिए अग्नि को समर्पित अपने शरीर को कर देती थी, वो जौहर है। तो इन लोगों को क्या मालूम जो अपनी बहन बेटियों को नचाते हैं, इन लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि जो अपनी बहन बेटियों की कमाई खाता हो, जो उनको हर दिन फिल्म में नंगा दिखाता हो, इनको क्या मालूम कि महिलाओं की इज्जत क्या होती है। मैं केवल यहाँ के महा बहुत बहुत तादाद में जाते हैं फिल्म देखने, वो अगर अगर रोक सकते हो, आप युवा हो रोक सकते हो तो एक बड़ी कामयाबी होगी करनी सेना के लिए। बिल्कुल युवा सभी रुकेंगे ये फिल्म से, हर युवा हर हिंदू भाई इस फिल्म से आते हैं, और जिस तरह से ये भंसाली दिखा रहा है हम हिंदू भाइयों के, हम हमारी जो माता है माँ सती माँ पद्मिनी जो 16,000 रानियों के साथ में जौहर कर दिया, और उनका ये फिल्म के जरिए अगर गलत कैरेक्टर दिखा रहा है तो बिल्कुल युवा कोई भी नहीं जाएगा, और हर हिंदूवादी संगठन हर हिंदू भाई के दिल में कहीं ना कहीं ठेस है, और हम पूरा विरोध करेंगे और इस पिक्चर को पूरा किसी भी तरीके से इस पिक्चर को नहीं चलने देंगे। यहाँ मुंबई की अगर बात करें तो किस प्रकार की रणनीति चल रही है आपकी विरोध के लिए, पद्मावती फिल्म विरोध के लिए क्या कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे विरोध तो एक साल से हम कर ही रहे हैं, भंसाली को जाके हमने लेटर भी दिया, अगर भंसाली ऐसे हमारे करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालू साहब और अध्यक्ष साहब महिपाल सिंह मकराना साहब और हमारी जो इधर राजपूत समाजिक कमेटी है, परिषद है, रुगना सिंह सराणा है, इन कमेटी को अगर ये फिल्म नहीं दिखाता और शुरू कर देता है तो करनी सेना पूरे महाराष्ट्र और हर मुंबई के थिएटर पे विरोध करेगी और पूरे भारत में करनी सेना विरोध करेगी। आज हमारे करोड़ों की तादाद में करनी सैनिक है, हम हमारे संविधान के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है, खाली करनी सेना का आदेश होना चाहिए, जहाँ भी हमारे संस्थापक और अध्यक्ष साहब का आदेश हो जाएगा जहाँ हम लाखों की तादाद में विरोध करेंगे। तो हमारा सबसे पहला यही है कि ये भंसाली की पिक्चर नहीं चलने देनी पद्मावती, महाराष्ट्र में हमारा पूरा विरोध रहेगा, और ऊपर से मकराना साहब का आदेश रहेगा तो हम उसके आदेश का पालन करेंगे पूरी महाराष्ट्र। ये जो हम लोगों ने जो आज विरोध किया उससे पहले हम लोग सात संगठन हम लोग वहाँ गए थे उनके ऑफिस में, और ये शोभा जी से हमारा बात हुआ था, वहाँ राजस्थान राजपूत परिषद, मेवाड़ राजपूत परिषद, अखंड राजपूताना संघ, प्रताप बटालियन और गुजरात मुस्लिम महासभा के ऐसे करके में सात संगठन वहाँ जाके उन्होंने आश्वासन दिया था और हमको लिखित में दिया था कि ये बनेगी तो आप देखने के बाद में बताना, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है जिससे हम आप बनेगी तो आपको गर्व होगा ऐसा, क्योंकि हमने बोला अगर ये आप हमारे बिना पूछे हो तो उन्होंने बोला था, तो पहले राजपूत समाज को राजस्थान से भी सभी संगठनों को बुला के जो मुख्य लोगों को पहले आपको बिताएंगे उसके बाद में